न्यूज चैनल न्यूज बीट में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। अमित शाह ने जाटों से कहा, खफा है तो बालियान के साथ मेरे घर आ जाइए। प्रेस रिव्यू। बुधवार को बीजेपी ने जाटों को आश्वस्त करने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गन्ने का भुगतान समय पर करने, नौकरियों में आरक्षण और चुनाव बाद राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पंचायत और जिला स्तर के करीब 200 प्रभावी जाट नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि जाटों से बीजेपी का प्रेम कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जाटों ने 650 सालों तक मुगलों से लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी भी देश विरोधियों से लड़ रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने कहा, जयंत चौधरी गलत संगत में चले गए हैं, लेकिन चुनाव बाद दोनों के साथ आने की संभावना खत्म नहीं हुई है। समाज के लोग उन्हें समझाए। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन किया है। किसानों की मदद के लिए तैयार। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने कहा, मैंने राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की और 3 चुनाव लड़ा। जाटों ने बीजेपी की दिल खोलकर मदद की। ऐसा इसलिए है कि जाट बीजेपी की तरह अपने लिए नहीं सोचते हैं, दोनों राष्ट्र के लिए सोचते हैं। जाट बीजेपी की तरह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सोचते हैं। 3 जाट राज्यपाल है और 9 सांसद। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता में आने के बाद 36,000 करोड़ कृषि लोन जारी किया, 1,35,000 करोड़ किसानों के खाते में डाला, 1,48,000 गन्ना किसानों को दिया। अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसकी भी भरपाई करेंगे। अमित शाह ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा, अगर आप मुझसे खफा है तो संजीव बालियान के साथ मेरे घर आ जाइए, लेकिन अपने वोट को लेकर गलती मत कीजिए। ये गलती 5 साल से पहले ठीक नहीं होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 और 14 फरवरी को मतदान है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें हैं। किसान आंदोलन के कारण इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2014 के अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी का समर्थन किया था। चुनाव बाद आरएलजी के लिए दरवाजा खुला रखने वाले अमित शाह के बयान पर जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने भी कहा है कि जाट समुदाय के लोग जयंत से बात करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जाट मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश को भूल नहीं गए हैं। बालियान ने कहा है कि जाट अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और छपरौली से उम्मीदवार अजय कुमार ने द हिंदू से कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले भ्रम पैदा करने में माहिर है। अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी जमीनी हकीकत देख बौखला गई है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, स्थानीय सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी पर जोर डालने का मतलब यही है कि बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता को स्वीकार कर लिया है। एक किसान नेता ने कहा, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मुसलमानों के बीच ये संदेश देना चाहता है कि आरएलडी और जाटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वे चुनाव के बाद बीजेपी के साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ 20 साल बाद उतारा उम्मीदवार। प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारने के फैसले को आज लगभग सभी अखबारों ने जगह दी है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा करीब 2 दशक बाद किया है। कुंडा से 6 बार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत रहे राजा भैया के 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से संबंध खराब हुए हैं। द हिंदू ने अपनी खबर में लिखा है, राजा भैया को समाजवादी पार्टी के सहयोगी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री भी थे। अखिलेश यादव ने राजा भैया को एक
झूठा विधायक और धमकीदार कहा था। उन्होंने कहा था कि राजा भैया के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। 2007, 2012 और 2017 में समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में उनकी जीत और आसान हो जाती थी। हालांकि अब भी कुंडा में राजा भैया को हराना बहुत आसान नहीं माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को टिकट दिया है। गुलशन यादव नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन है और राजा भैया के सहयोगी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के पद्म सम्मान पर कांग्रेस ने कलह। हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर खबर लगाई है पद्म सम्मान के मामले में कांग्रेस के अंदर कटुता। जागरण ने अपनी खबर में लिखा है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई दिनों दिन गहरी होती जा रही है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद को दिया गया पद्म भूषण सम्मान भी पार्टी को नागवार गुजरा है। अखबार ने लिखा है, टीम राहुल के रणनीतिकार माने जाने वाले जयराम रमेश ने उन पर पश्चिम परोक्ष रूप से सरकार का गुलाम होने का बड़ा तंज किया है। नाराज नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने आश्चर्य जताया कि जिसकी उपलब्धियां और योगदान का को देश मान्यता दे रहा है उसकी पार्टी में कोई उपयोगिता नहीं है। आनंद शर्मा भी आजाद के साथ खड़े हुए। अब तक सिर्फ 3 कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को बधाई दी है। शशि थरूर ने लिखा है कि दूसरे पक्ष की सरकार ने भी आपकी उपलब्धियों को पहचाना और सम्मानित किया, इसके लिए बधाई हो। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।